इंद्रा जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो फ्रेंड्स, सवा 8:14 हो गई है, 8:14। गिफ्ट निफ्टी 391 पॉइंट्स डाउन है, 396 91 पॉइंट्स डाउन। 8:14 मंडे, और आज है 24 जून, 24 जून, ठीक है। 91 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी डाउन है। चलिए अब बात करते हैं आज के मार्केट की, क्या हो सकता है क्या नहीं। क्या सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वेबिनार स्टार्ट होने वाली है, 18 अगस्त को स्टार्ट होगी। फीस के लिए मैं वापस एक बार, हालांकि वीडियो में मैं क्लियर बता चुका हूँ, 30 जून तक जो पेमेंट करेगा वो 8,000 में, 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में पेमेंट करेगा 12,000, और 1 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक करेगा वो 15,000, ठीक है। तो ये क्लियर कट है, कोई चेंजेस इसमें हो गए नहीं, जिसको ज्वाइन करना है। और ये शायद वन ऑफ द लास्ट वेबिनार्स होगी, उसके बाद देखिए साल में सिर्फ टोटल दो ही होगी, अब साल में 2 या 3 मैक्सिमम, है ना। तो ये मौका आपको मिल रहा है अगस्त में, तो ले लीजिए, और इस कम प्राइस में नहीं होगी। दूसरा, जो ट्रेडिंग की सर्विसेज है वो टोटली बंद कर दी गई है, सिर्फ एक रहेगी, 1 साल की, 24,000, ताकि कोई आए नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कोई आओ, ठीक है। हाँ, 24,000 दे के आना है, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके अलावा कुछ नहीं। और इसके लिए भी आप भूल से भी फ़ोन कॉल मत करिएगा, 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ठीक है। तो चलिए, अब ये गिफ्ट निफ्टी इतना नीचे क्यों दिखा रहा है, ये क्वांट म्यूचुअल फंड जो है उस पर सेबी ने एक रेड मारी है, क्योंकि खबर आई है कि वो क्वांट म्यूचुअल फंड जो बाई करता है शेयर्स, उसकी इन्फॉर्मेशन लीक आउट होके पहले से ही बाजार में कुछ खेल होता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बुरी खबर तो मुझे नहीं लगती ये मार्केट इतना गिर जाए, मार्केट के और भी कुछ रीज़न है गिरने के, लोग इससे जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन मैं इससे जोड़ के नहीं देख रहा हूँ, इससे मार्केट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। मार्केट ऑलरेडी फ्राइडे को बता चुका था कि एक गिरावट का आहट थी, क्योंकि हमने फ्राइडे को ही वीकली हाई बनाया निफ्टी में, फ्राइडे को ही वीकली लो बनाया, और अल्टीमेटली हम लोअर पार्ट ऑफ द डे के पास क्लोज हुए, क्योंकि हाई था 67 के करीब, जो ऑल टाइम हाई बना। वहाँ से हम 398 का लो बनाए और 480 के आसपास, 500 के आसपास क्लोज हुआ, 501, और फ्यूचर्स नीचे क्लोज हुआ, ये भी एक रीज़न था। तो अब मुझे लगता है, देखिए मार्केट लो तो ज़रूर तोड़ेगा उस दिन का 398 का, बट अब आपको चेक क्या करना है कि अगर मार्केट वहाँ से जो आज गैप डाउन दिखा रहे हैं 94 पॉइंट्स, हो सकता है इतना बड़ा गैप डाउन नहीं भी खुले, लेकिन अगर नीचे जाता भी है, आप अति उत्साहित मत हो जाइए, क्योंकि फ्राइडे को हाई भी बना था, ठीक है। तो अति उत्साहित होकर आप सेल में एकदम धड़ाधड़ ऐसा मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। आज सिर्फ ये चेक कर लीजिएगा कि ये वापस रिकवर करके 442 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो अगले 2 दिन के लिए तेज़ी रहेगी, लिख लीजिए 26 तक तेज़ी रहेगी, फिर गिरावट आएगी। अगर आज गिरावट तो होगी, अगर ये 442 के नीचे क्लोज करता है तो फिर हमारा स्टार्ट हो गया, हमारा जो बटन है वो फ्राइडे को प्रेस हुआ था, अब उसमें मोमेंटम आ गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन हो सकता है सुबह लो बना के ये 442 के ऊपर क्लोज कर जाए, 442 याद रखिएगा, है ना।
और मुझे लगता है करेगा शायद ऊपर ही, चांसेस तो यही लग रही है। अगर नहीं करता तो हमारा आज से ही स्टार्ट हो गया, जो मैं बोल रहा हूँ कि 22,800 मिनिमम आना चाहिए 15 जुलाई के पहले पहले, वो डेफिनेटली फिर स्टार्ट हो जाएगा। 22,800 मिनिमम, 22,500 तक जा सकता है। और 15 जुलाई तक ही बैंक निफ्टी में 49,500 मिनिमम, सॉरी 49,800 मिनिमम से लेके 48,800 तक। ये मेरे टारगेट्स हैं, लेकिन आज पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा है कि ये टिकेगा, बट हो सकता है सेलिंग गहरा जाए क्योंकि बहुत अति हो गया है। देखो आप, 3 तारीख को क्या मार्केट था, सुपर हिट 338 का हाई था, 24,338 का ऑल टाइम हाई बनाया, और 4 तारीख को हमने 21,246 का ऑल टाइम 2000 पॉइंट का गोता लगाया नीचे की तरफ, और वहाँ से वापस से उस 24,338 से भी काफ़ी ऊपर हम निकल गए, है ना, और 667 तक आ गए। तो मार्केट अगर हम 4 तारीख से लेके अभी तक का देखें, 4 तारीख का लो अगर हम ले लें, तो मार्केट 2400 पॉइंट भाग चुकी है, 2400 पॉइंट भाग चुकी है फ्राइडे का हाई तक। तो उस 2400 में से अगर मैं 1200 घटा दूं, मोटा मोटा 1200 घटा दूं, तो 667 माइनस 1200 कितना होता है, 22,400 के करीब होता है। तो मोटा मोटा मेरा टारगेट ये है, ठीक है। मगर आज का दिन मैं अभी भी एक बार बुल्स को देता हूँ, अगर वो 442 को वापस रीगेन करके क्लोज कर लेते। क्लोजिंग 501 की थी फ्राइडे को, लेकिन मैं अभी 442 की बात कर, ठीक है। दैट्स इट आज के लिए, अभी इतनी स्टोरी। अब देखिए क्या होता है, हो सकता है यहाँ से बड़ी गिरावट, क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ आती है ना, ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो, तो इन्वेस्टर एक बार डर जाते हैं, वहाँ अनएक्सपेक्टेड सेलिंग भी कई बार आती है। देखिए आप सपोज़ एक म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट कर रहे हो, और अचानक एक न्यूज़ आ गई कि म्यूचुअल फंड वाला तो बर्बाद होने वाला है या ख़त्म हो गया, ये तो जो माल जिस रेट में बिक रहा सब बेच देते हैं। तो ऐसी न्यूज़ क्या करती है, कई बार थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है जितना उसको डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तो भाव में हम ज़्यादा बिकवाली हो जाते। जैसे देखिए 3 तारीख को क्या माहौल था कि बीजेपी जीत रही है, क्या मार्केट टना टन 23,368 का हाई बनाया था, और 4 तारीख को जैसे ही दिखा कि इंडिया गठबंधन 200 सीट से ऊपर आ रही है, टना टन जो नहीं बेचना था वो भी बेच डाला, और 21,246 तक ला दिया। उस दिन मैं अकेला शख्स था कि वापस ये भाव लाएंगे, मेरे टारगेट 23,000 और 50,000 है। उस दिन सबकी पैंट चड्डी सब गीली थी, मेरी हिम्मत थी, मुझे पता था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट है। अरे सरकार तो उसी की बन रही है यार, जिसकी तुम चाह रहे थे, बस वो 400 नहीं आया, नंबर नहीं है, नंबर गेम के ऊपर क्या जा रहे हो। जब तक मोदी है मार्केट इज़ ओके, जब तक मोदी है मार्केट इज़ ओके, क्योंकि मार्केट को मोदी चाहिए अभी। इसका मतलब नहीं है कि कोई दूसरा गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन एक बार इसका फेथ है ये निकल जाएगा तो एक बार तो क्रैश आएगा, ठीक है। मोदी जी अगर नहीं आते तो एक बार तो ज़बरदस्त क्रैश आता था, उसके बाद फिर नया कोई लीडर जो भी बनता, राहुल गांधी बनता, अखिलेश क्या नाम है उसका, यादव बनता, ममता दीदी बनती, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनते, कोई बनता, तो उसके बाद मार्केट देखता है ये लोग कैसे क्या पॉलिसीज लेके आता। तो वही चीज़ आज क्वांट म्यूचुअल फंड के कारण से अगर गिर रहा है तो ये रिकवर हो जाएगा भाई।
अगर उसके कारण से गिर रहे, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।